हेलो एवरीवन वेलकम टू क्वांटिफायर्स सो स्टूडेंट्स टुडे आई टेकन अ क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है uh, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो आप प्लीज पूरी वीडियो जरूर देखें इसमें मैंने एक शॉर्टकट भी शेयर किया है तो पहले आप लोग खुद से इसे ट्राई करें फिर ही सोल्यूशन देखें लेट मी ऑल्सो टेल यू फ्यू अस cat एस्पिरेंट और आप चाहते हैं आपको आपके WhatsApp पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन आती रहे

आप देखो क्वेश्चन काफी लेंदी लग रहा होगा आप लोगों को पर अगर आप ध्यान दो पहली दो जो लाइन है वो तो बिल्कुल ही इेलिवेंट है राइट right? तो एग्जाम में ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं जो हमें लगता है काफी लेंदी है तो डिफिकल्टी होंगे ऐसा जरूरी नहीं है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इसमें बहुत कम है ओके फर्दर इट इज गिवेन सुरेश एंड सुबोध दे ओवरटेक प्रदीप एट द सेम पॉइंट सुरेश स्टार्टेड 90 मिनट्स आफ्टर प्रदीप वी हैव टू टेल हाउ मेनी मिनट्स आफ्टर प्रदीप बट दे आर स्टार्टिंग एट डिफरेंट टाइम वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे स्पीड आर ऑल्सो डिफरेंट तो पहले एक बार मैं लिख लेता हूं उनकी स्पीड सो so, प्रदीप की स्पीड है फिफ्टी सुरेश की स्पीड है सिक्सटी और

अब देखो यार स्टूडेंट्स एक तरीका तो ये है कि आप इसको रिलेटिव स्पीड से करो बट ट्रस्ट मी इफ यू अप्लाई रिलेटिव स्पीड इट विल टेक सम टाइम तो बेटर रहेगा मैं आपको एक दूसरा कंसेप्ट बताता हूँ आप उसे यूज करें आप देख सकते हो ऑल ऑफ देम आर ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी राइट क्योंकि सबने पॉइंट ए से स्टार्ट किया और पॉइंट बी पे तीनों साथ में आ जाते हैं सो देर डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट है ना अभी अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होता है तो आप सबको पता होगा स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम मतलब जो स्पीड का रेशियो होता है टाइम का रेशियो उसके रेसिप्रोकल होता है बस इतना कंसेप्ट हमने अप्लाई करना है. अब कहने से हमें स्पीड्स तो पता ही है तो स्पीड्स का रेशियो कितना हो गया 50, 60, 75 लेट्स फाइंड रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स तो अगर मैं 5 से डिवाइड कर दू 5 से डिवाइड कर दू सबको तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा दैट विल बी 10 तो कहने से टाइम का रेशियो इसके रेसिप्रोकल सो दैट विल बी रेसिप्रोकॉल्वन अब स्टूडेंट्स टाइम का रेशियो आ गया लेकिन फ्रैक्शन में आया है होप आप सबको पता है इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आप टेन ट्वेल्व और फिफ्टीन के मल्टीपल से इनको मल्टीप्लाई कर दो तो दोन टाइव फिफ्टीन का एलसीएम ले लेते हैं दैट विल बी इफ आई मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम बाय सिक्सटी है ना मैंने तीनों को सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेशियो हमारा इंटीजर में आ जाएगा सो so टाइम का रेशियो आ जाएगा ये six is to five is to four. तो ये टाइम है. ये है का आ आ आ जाएगा तो जो हमारा रहा रहा लिए दूसरा वाला सुबोध के लिए आ रहा है, रहा है और तीसरा वाला सुबोध के लिए आ रहा है प्लीज रिमेंबर दिस इज द रेशियो ऑफ देयर टाइम ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है ये टाइम का रेशियो है तो एक काम करते मैं मान लेता हूं प्रदीप का टाइम है सिक्स एक्स सुरेश का टाइम है फाइव एक्स और सुबोध का टाइम है फोर एक्स Okay. Now we have to use this सुरेश 90 जो डिफरेंस है, है ना तो यहाँ पर टाइम का डिफरेंस कितना है x है एक्स की वैल्यू 90 मिनट्स हमें given है. अब हमें क्या निकालना है हमें निकालना है

याद रही कंसेप्ट आप तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर सबने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया डिस्टेंस इज कांस्टेंट यू कैन अप्लाई दिस कंसेप्ट दैट स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम प्लीज यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें अच्छा सा कमेंट कर देना और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना थैंक यू एवरी